हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पल्लवीज़ किचन। दोस्तों, आज हम बनाएंगे पाव भाजी। ये पाव भाजी खाने में जितनी टेस्टी है, बनाने में उतनी ही आसान है। तो चलिए फटाफट रेसिपी की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम आधा कटोरी सफ़ेद मटर लेंगे और इन्हें कम से कम 4 घंटे भिगोकर रख देंगे। 4 घंटे बाद मटर फूल गए हैं और अब हम इन्हें 2 बार साफ पानी से निकाल कर अच्छे से धो लेंगे। और अब इन्हें कुकर में डाल देंगे। मटर के साथ 2 कटोरी पानी भी हम डालेंगे, साथ ही में 1 बड़ा चम्मच नमक और 1/4 चम्मच हींग डालकर 5 से 6 सीटियां देकर हम मटर को बॉईल कर लेंगे। दोस्तों, मटर एकदम अच्छे से बॉईल हो चुका है और अब हम भाजी बनाना शुरू करेंगे। पैन में सबसे पहले 1 बड़ा चम्मच तेल डालेंगे और साथ ही में 1 बड़ा चम्मच बटर भी डालेंगे। इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच जीरा, 1 प्याज थोड़ा भुन जाने पे हम इसमें डालेंगे 1 प्याज जो कि हमने बारीक काट लिया है। प्याज हल्का गोल्डन ब्राउन होने पर इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। कश्मीरी लाल मिर्च से कलर बहुत ही अच्छा आ जाता है। इसे थोड़ा सा चला लेंगे। अब इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट और इसे भी 2 मिनट अच्छे से पका लेंगे ताकि इसका कच्चा स्वाद निकल जाए। अब इसमें डालेंगे 1 हरी शिमला मिर्च जिसे हमने बारीक काट लिया है। इसके बाद 1/2 कटोरी गोभी जिन्हें हमने बारीक काट लिया है। इसके बाद 1/2 कटोरी गाजर जिसे हमने बारीक बारीक कट कर लिया है। इसके बाद कलर के लिए हमने यहाँ पे लिया है 2 बड़े चम्मच क्रश किया हुआ बीट रूट। अब सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिला लेंगे। बीट रूट से भाजी में बहुत ही सुंदर रेड कलर आ जाता है और बीट रूट होता भी बहुत हेल्दी है, तो हम कलर की जगह यहाँ पे बीट रूट का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ हमने जो सब्जियाँ ली है, आप उनके अलावा अपनी पसंद की और भी कई सारी सब्जियाँ इसमें डाल सकते हैं। अब इसमें डालेंगे हम 2 बड़े टमाटर जिन्हें हमने बारीक कट कर लिया है और अब सभी चीज़ों को अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे। इसके बाद 2 छोटे चम्मच नमक डालेंगे और सभी चीज़ों को फिर से मिला लेंगे। इसमें डालेंगे 1/2 कटोरी पानी और एक बार अच्छे से मिक्स करके ढक्कन रख के हम 5 मिनट इन्हें पका लेंगे। 5 मिनट बाद हम देख सकते हैं हमारी सभी सब्जियां पक चुकी है। अब इसमें डालेंगे 2 बड़े आलू जिन्हें हमने बॉईल करके मैश कर लिया है। इसके बाद सफेद मटर जो हमने बॉईल किए थे वो भी इसमें डाल देंगे और अब सभी को अच्छे से मिला लेंगे। इसके बाद इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच पाव भाजी मसाला और मिक्स कर लेंगे। इसमें 1/2 कटोरी फिर से पानी डालकर हम ढक्कन रखकर 2 मिनट इसे पका लेंगे ताकि मसाले अच्छे से सब्जियों के साथ अब्जॉर्ब हो जाए। 2 मिनट हो गए हैं और भाजी पक चुकी है। इसे अब मैशर की मदद से मैश कर लेंगे। तो ये भाजी बनकर एकदम तैयार है। गैस की फ्लेम हम ऑफ कर देंगे और अब अंत में इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर और थोड़ी सी फ्रेश धनिया और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दूसरी ओर पैन में 1 छोटा चम्मच बटर डालेंगे। बटर अच्छे से पिघल जाने के बाद इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच फ्रेश धनिया और थोड़ा सा चला लेंगे। इसके बाद 1 पिंच पाव भाजी मसाला इसमें डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब एक पाव इस तरीके से इसके ऊपर टोस्ट कर लेंगे। इससे पाव का स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। पाव को सभी तरफ से हम थोड़ा थोड़ा टोस्ट कर लेंगे।
तो पाव भाजी हमारी बनके खाने के लिए एकदम तैयार है। तो दोस्तों, आज की रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।